अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जैसा कि आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना है। तो देखें जनाब, डी एन और डी टी, इस पर हमें कुछ टेक्निक चलानी पड़ेगी। ये करते हैं कि हम एन टी ई टी प्लस टू माइनस एन, डी एन आवर डी टी। अब एन यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया टी ई की पावर टी प्लस टू माइनस वन इंटू एन। अब टी वाली रकम हमने एक तरफ करनी है, दूसरी एक तरफ करनी है, तो ये हो गया डी एन वन आवर एन इज इक्वल टू टी ई टी प्लस टू माइनस वन इंटू डी टी। और जब हमारी रकमें एक तरफ हो जाएं, जैसे कि एक तरफ एक्स वाली थी, एक तरफ वाई वाली, अब यहाँ पे एक तरफ एन वाली और इस तरफ वाई वाली, अब वाई की जगह टी वाली आ गई है। दूसरा स्टेप हमारा होता है टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स। अब देखें जी, इंटेग्रल ले लेते हैं वन आवर एन डी एन, वन आवर टी ई टी प्लस टू माइनस वन इंटू डी टी। अब ये तो सिंपल हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एन। अब इसके लिए हमें लग लग अप्लाई करना होगा माइनस वन डी टी। अब देखें, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसका फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ यू वी डी वाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यू, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ओवरऑल इंटीग्रेशन, और हाउ टू सेलेक्ट फंक्शन, हाउ टू सेलेक्ट फंक्शन आई लेट। इंटीजर्स, लॉगरिथम, एरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब टीज एरिथमेटिक फंक्शन, दैट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज लास्ट फंक्शन, दैट फर्स्ट दैट सेकंड। अब देखें, जैसा कि इस तरफ हमारा हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एन, टी फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज ई टी प्लस टू डी टी माइनस, पहले टी का डेरिवेटिव, फिर ई टी प्लस टू की इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन डी टी माइनस टी प्लस सी, वन का डेरिवेटिव टी प्लस सी। तो जगह नेचुरल लॉग ऑफ एन टी ई टी प्लस टू माइनस वन डॉट ई टी प्लस टू डी टी माइनस टी प्लस सी। तो नेचुरल लॉग ऑफ एन टी ई टी प्लस टू माइनस ई टी प्लस टू
माइनस टी प्लस सी। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल, तो ई एल एन ई टी ई टी प्लस टू माइनस ई टी प्लस टू माइनस टी प्लस सी। अब देखो ई और एल एन काट गया, एन इज इक्वल टू सी ई टी ई टी प्लस टू माइनस ई टी प्लस टू माइनस टी। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और हम मजीद अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल धनिया सॉल्यूशन के साथ रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के मजीद आसान तरीका उसको हल करने का मिल जाएगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।